Good morning, students. I am Dharmendra. Today I am going to explain the topic mail merge in MS Word. It is used to combine a data source which contains the address of all receipts with the main documents. It saves our time and energy to send letters to multiple address. इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है हुआ, सपोज हम एक साथ बहुत सारे एक ही लेटर टाइप करना है और एक लेटर को बहुत सारे एड्रेस पर हमें क्या करना है, सेंड कर देना है। तो इसके लिए यह हमें क्या करता है, टाइम सेव कर देता है। हम डायरेक्ट सबसे पहले डाटा सोर्स में एड्रेस क्या कर क्या करके रखे हुए रहते हैं, एड्रेस उसमें सेव करके रखे रहते हैं। एक बार केवल एड्रेस पर गए, उसमें डाटा सोर्स में जाते हैं और उसमें से एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं और वह एड्रेस, उस एड्रेस का यूज करके हम एक ही लेटर को बहुत सारे पर्सन को एक समय में भेज सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट, इसके लिए अब देखिए कि कंप्यूटर में किस प्रकार हम मेल मर्ज का यूज कर रहे हैं। टाइप सर्च में हम यहाँ पर लिखे वर्ड, वर्ड लिखे तो हमारा वर्ड का जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह ओपन होगा। उसके बाद हमको जाना है यहाँ पर मेलिंग टैब है, मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें गए, लेटर को सेलेक्ट किए। उसके बाद जैसे ही लेटर सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शंस आ जाएगा। सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट में गए तो ऑप्शंस आ रहा है न्यू एड्रेस लिस्ट, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है, उसमें दिया गया है न्यू एड्रेस लिस्ट। इसमें हम न्यू एड्रेस लिस्ट में हम यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहे हैं। यहाँ पर टाइटल में लिखिए मिस्टर, उसके बाद लिख रहे हैं लास्ट नेम में लिखें, कंपनी नेम में लिखें, एयरटेल, नेक्स्ट एड्रेस में लिखें सैदपुर, सिटी में लिखें सीतामढ़ी, नेक्स्ट स्टेट में लिख रहे हैं बिहार, जिप कोड 84 33 28 लिखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो दूसरे ऑप्शंस देने के ऑप्शंस आ रहे हैं, मांग रहे हैं, ओके कर दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें सेव करने के लिए ऑप्शंस मांग रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शंस लिखें यहाँ पर डीके को के नाम से हम सेव कर दे रहे हैं। जैसे ही सेव कर दिए तो ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पर, एडिट रिसिप्ट लिस्ट आ गया ऑप्शंस में। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करें डीके 4.4, ओके किए। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें एड्रेस ब्लॉक को हम क्या किए, सेलेक्ट किए। तो एड्रेस ब्लॉक को सेलेक्ट किए, ओके किए, यहाँ पर आ गया एड्रेस ब्लॉक। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाकर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हम सेलेक्ट रिसिप्ट में ऐड जो किए हुए थे वह ऑटोमेटिकली रूप से यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, एयरटेल, सैदपुर, सीतामढ़ी, 84 33 33। इसमें अगर हम मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते थे तो कर सकते थे, ठीक है। पर अगर आप ग्रीटिंग लाइन भी ऐड करना चाहते हैं
ऐसे ग्रीटिंग लाइन भी ऐड करना चाहते हैं तो ग्रीटिंग लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह वर्क करेंगे। थैंक यू।